होंगे, बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसे मतलब अराउंड इफ आई कैन से अराउंड थाउजेंड्स के आसपास होंगे, है ना। बालू टेम्पल में अब देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है, बाकी ट्रैक होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, एंड दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ द सीरीज जीबी तीर्थन। और आज का मौसम काफ़ी साफ है नेक्स्ट मॉर्निंग में, और काफ़ी अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। आज हम बालू टेम्पल कवर करेंगे, बालू टेम्पल का रूट पूरा, और हम यहाँ से तीर्थन वैली से जीबी का पूरा रोड दिखाएंगे कि कैसा है। फिर जीबी से बालू टेम्पल का अलग रोड है, वो पूरा आपको दिखाएंगे। तो गाइस बने रहो वीडियो में, एंड दिखाएंगे बालू टेम्पल कितना सुंदर और अनएक्सप्लोर्ड है, तो बहुत अच्छा है। एंड ऑनेस्टली आज मौसम बहुत सही है, तो लेट्स सी। यहाँ से तीर्थन वैली से निकल के अभी हम पहले, आज का प्लान है बालू टेम्पल का। बालू टेम्पल में अब देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है, बाकी ट्रैक होता है। तो पिछली बार मैं जैसे स्कूटी पे आया था तो उसमें तो आराम से एंड तक जाती है, बट गाड़ियाँ देखी थी मैंने, बट वो छोटी गाड़ियाँ थी। तो लेट्स सी कहाँ तक गाड़ी जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रैक करेंगे। थोड़ा बहुत ट्रैक भी नहीं है, वो एक फॉरेस्ट हाइक है। तो गाइस ऐसा कुछ रूट है, और यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये, और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी छोटी रोड है, तो सामने से वेट करना पड़ता है दूसरे बंदे को आने के लिए। और जीबी पहुँचने के लिए तीर्थन वैली से एक घंटा आप मान के चलो, मैप में आपको 40 मिनट दिखाएगा, बट छोटी रोड है और आपको थोड़ा सा यू नो लैंडस्लाइड के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो ये जो अगर आप रोड देख रहे हो, ये आपको जीबी से राइट की तरफ जाती है और बालू टेम्पल की तरफ कटती है, तो ये रोड थोड़ी सी और छोटी है। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए थे, ये एक रास्ते में आपको बाहू लेक मिलेगी, जो मैंने मैप पे भी डाला हुआ है। और मैप में आप बाहू लेक डालिए और सिर्फ यहाँ पे आइए और गाड़ी पार्क करिए। हमने जैसे पिछले साल में आया था तो मैंने स्कूटी लेके गया था, तो स्कूटी बिल्कुल एंड तक चली जाती है नो डाउट, बट जब गाड़ी है उसका ट्राई मत करना, और डायरेक्टली पार्क करना और अपना यहाँ से वॉक करके जाना। तो बस अभी हमारा 500-600 मीटर का वॉक हुआ है अभी तक, और ये सिंपल वॉक है, बिल्कुल आराम से कोई भी इसको कर सकता है। तो ईजिली आओ, इन्जॉय करो, नेचर इतना अच्छा है, इतना अच्छा व्यू है इसका, एक बार व्यू देखो, एक बार बहुत अच्छा व्यू है। तो बस अभी 20 मिनट का वॉक हो चुका है, इजी वॉक था, और ये सामने कुछ स्टॉल्स दिख रही है मुझे यहाँ पे, देखो वहाँ पे। तो बहुत इजी वॉक है, नॉर्मल वॉक है, कोई भी आ सकता है, किसी भी एज का बंदा वॉक करके आ सकता है, एंड मेरे ख्याल से तो बहुत इजी है। और इन टोटल में आराम से मतलब बालू लेक जहाँ पे हमने पार्किंग करी है वहाँ से लेके बालू टेम्पल तक जो वॉक है वो 40-50 मिनट्स का रहेगा इन टोटल। तो गाइस फाइनली ये पूरा एरिया आ चुका है जहाँ पे टेंपल है, और ये कुछ स्टॉल्स हैं बीच में, यहाँ पे बहुत लिमिटेड फूड है, मतलब सिड्डू मिल जाता है, सिड्डू का जरूर ट्राई करना है। इधर एक लक्ष्मी आंटी हैं, वहाँ पे जरूर जाना उनके पास। लेफ्ट साइड पे जो आप स्टॉल देख रहे हो वो है, और ये रहा आपका बालू टेम्पल। तो बहुत अमेजिंग है ये व्यू पूरा, यहाँ पे ओपन ऐसे आप बैठो, आराम से आओ, दो घंटा यहाँ पे बैठो, और जो भी है जानकारी इस टेम्पल के बारे में वो अभी हम किसी से पूछते हैं और आपको बताते हैं। डालना यहाँ पे ना, फिर वो
अरे अच्छा, ये जो हिमाचली देवता जो होते हैं वो ही इन्हीं का है मेन। नाम क्या है इस जगह का? अच्छा अच्छा, ये देवभूमि और वो देवता वही चीज है रिलेटेड है। पहाड़ों में कहते हैं कि नींद देखता हूँ तो बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसे मतलब अराउंड इफ आई कैन से अराउंड थाउजेंड्स के आसपास होंगे, है ना, जिनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं। मतलब उस टाइप को मेरे को भी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट बहुत होते हैं मतलब अलग अलग नाम डिपेंडिंग ऑन द रीजन कहाँ पे ना। जैसे यहाँ पे है, जैसे आई एम फ्रॉम उत्तराखंड तो वहाँ पे भी पहाड़ों में है तो वहाँ पे डिफरेंट है ना उस टाइप का। अच्छा अच्छा, बस अब हमने जो भी इन्फॉर्मेशन ली वहाँ से, जो भी हमें पता चला इस जगह के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा। और बस अब हम जा रहे हैं क्योंकि बारिश भी हल्की फुल्की शुरू हो गई है, तो दिस इज़ द लास्ट व्यू एयर। हमने यहाँ पे कुछ सिडू ट्राई करने के लिए बैठ गए हैं, बारिश हो रही थी तो इसलिए रुक भी गए हैं। तो यहाँ पे मैगी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह पियेंगे, तो ये शॉप है आंटी की। तो गाइज बस हम वापस निकल गए थे बिकॉज मैं आगे का वापसी का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट सेम रूट है ऑब्वियसली, जिस रास्ते से हम गए हैं उसी रास्ते से हम वापस आए हैं। और ये जो पूरा रूट आप देख रहे हो, ये अब हम बालो लेक से बाहु लेक, जो मैंने डाला था मैप का, बाहु लेक मैप में डालना डायरेक्टली आप पहुँच जाओगे। और ये बाहु लेक से जीबी की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये पूरा रूट वो है। नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखोगे कि पूरा हम कैसे कवर करते हैं ट्री हाउस का, पूरा आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। और इस चीज़ की अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो डू लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर करो चैनल को। एंड एज यू नो दिस इज़ माई न्यू चैनल एंड दिस इज़ माई फर्स्ट प्लेलिस्ट जीबी तीर्थन का, सो गो सपोर्ट।